नमस्कार दर्शक बंधु मु कानू अर्गस न्यूज को आपन समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु जातीय सेवा प्रतिष्ठा दिवस 51तम प्रतिष्ठा दिवस रे गत काली 24 तारिख रे बांकी महाविद्यालय रो अध्यापक सतीश दास एक वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे भारत राष्ट्रपति को ठारु सेवामूलक कार्य पे राष्ट्रपति पुरस्कार पाई छंती। आज सीधा सळक आम सहित से जोड़ी आई छंती कौन प्रतिक्रिया रखुं कि भाव में सुदूर बांकी राष्ट्रपति भवन पर्यंत यात्रा किभली रही सीधा सड़क आलोचना करवा। आज्ञा अर्गस न्यूज परिवार तरफ प्रथम शुभेच्छा और अभिनंदन आपण मान शुभेच्छा ओडिशार समस्त जातीय सेवा योजना मोर प्रिय परिवार समस्त सदस्य को मुझार अभिनंदन जनाऊँ। यहाँ ओडिशार विजय आवर्ष उत्साहजनक तीन जन पाई जातीय सेवा योजनार उत्कृष्ट कार्यक्रम हिसाब रे उत्कृष्ट कार्यक्रम करथिवारु तीन जन पाइछन्ति। मु कार्यक्रम अधिकारी भाव रे चलित वर्ष एही सम्मान रे सम्मानित होइछि। केमिति देखुछन्ति केते खुशी अछन्ति? निश्चित भाव रे खुशी लागियो काहेकि ना कार्यक्रम अधिकारी भाव रे देशर केवल 10 जन को एही पुरस्कार दिया जाय। मु विशेष भाव खुशी जे मो बांकी महाविद्यालय एत वर्ष पर यह एक विरल सफलता पाई जातीय स्तर रे स्वीकृति पाई निश्चित भाव रे मु निश्चित बहुत आनंदित। जदि आम कह जो श्रेय जो यात्रा केबे तो आरंभ होता कौन कौन आपण सेवा मन सेवार कार्य को आधार कर राष्ट्रपति आज आपको मनोनीत कर राज्य सरकार मंत्रालय आपको मनोनीत कर 2015 मसीहा ठार आज पर्यंत जातीय सेवा योजना सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अच्छी। विगत तीन वर्षर मोर आक्टिविटीज जहाँ थी 2016, 2017, 2018, 2018, 2019 तीन वर्षर कार्यधारा को समीक्षा कर केन्द्र सरकार युव और क्रीड़ा मंत्रालय यही सम्मान देखते विशेषकर आम सामाजिक कार्य शिक्षा सहित जो सामाजिक कार्यक्रम को जोड़ी आम करूँ जो सफलता सक्सेसफुल स्टोरी आम रहा शरीर अंगदान अभियान रहा जल संरक्षण रहा अंधविश्वास दूरीकरण रहा पाठागार उन्नतिपाई जो प्रतिष्ठा रहा विभिन्न क्षेत्र में आम जो स्वेच्छासेवी मैंने रे जातीय स्तर में भल स्वेच्छासेवी मैंने उल्लेखनीय कार्य कर दुईथर ओडिशा को रिप्रेजेंट कर बैंक कलेजर कार्यक्रम अधिकारी भाव में ये सब देखी तीन वर्षर कार्यधारा को देखी मो नाम आमर ओडिशार उच्चशिक्षा विभाग सचिव डॉक्टर शाश्वत मिश्र मो नाम सुपारिश करते केन्द्र सरकार विशेषकर कौ कार्य को आधार कर मनोनीत कराइला कौ कौ कार्य बर्तन करते समाज पर कौन कौन जो व्यक्ति करते व्यक्तित्व को जहाँ को देखिकी राष्ट्रपति आज ओडिशा सरकार आपण नाम को प्रमोट करते यह गोटे निर्दिष्ट नुहे सामग्रिक भाव में देखिए तीन वर्षर कार्यधारा को से समीक्षा करोटा सबुठू भल लगी जमीक शरीर अंगदान अभियान जहाँ कि गोटे नुआ कीर्तिमान 700 ऊर्ध व्यक्ति अंगदान दवापी निजे स्वीकृति जनई 97 जन समग्र शरीर को दवापर सत्यपाठ निश्चित सफलता पछरे कथार अच्छी कहीं ना कहीं गोटे हाथ थाए तो आपण आज जो सफलता पाई ये श्रेय क्या देवे? मुझे यार समस्त श्रेय मो छात्र छात्री मानक देवा चाहिए कान तक छाड़देले मोर अस्तित्व ना गोटे शिक्षानुष्ठान शिक्षक एवं छात्र मध्य गोटे उत्तम सहयोग रे निश्चित भाव गोटे शिक्षानुष्ठान उत्तरतर उन्नति घटे जहाँकि महात्मा गांधी मूल स्वप्न थी केमिति छात्र छात्री मान समाज सेवा मनस्क करवा उत्तम चरित्र गठन दिगरे समाज सेवा को जोड़ीबा एवं ताद्वारा व्यक्तित्व परिमार्जित हे आम आज पर्यंत से कम कर भाव में सुजन मनस्क करवा व्यक्तित्व किभली भाव में विकास भावर अंतरीण जो रही प्रतिभा सहा कि लोकलोचन को आसो निश्चित भाव में आनंदित मो पाने जो सदिच्छा जो भल पाइबा तार आज मत फल मिली। तो शेष प्रश्न मोर युव समाज पर कौन प्रेरणा देवे कौन बार्ता रखे
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ଅଭାବ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ଉ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଯେ ତମ ଆଦର୍ଶ କିଏ, ସେତେବେଳୁ କହନ୍ତି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲର ଅଭାବ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା, ସେବା ସେବା ଜନସେବା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ ବାଙ୍କୀ କଲେଜର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ। ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଇ ବାଙ୍କୀ ସୁଦୂର ବାଙ୍କୀରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଭ ସମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।